चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर जो कॉन्ट्रो इंटीग्रेशन, इसका पार्ट नंबर 2 है ये। इसे बेसिकली हमारे पास जैसे पार्ट नंबर 1 में था, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास 0 से 2 पाई तक की लिमिट होती थी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 0 से 2 पाई तक की लिमिट होती थी। यहाँ पे हमारी लिमिट जो होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, और ऊपर भी फंक्शन होता है, नीचे भी फंक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, और उस पर जो क्लोज रीजन होता है ना, वो प्लस आर से माइनस आर तक होता है। आर को हम लोग आमतौर पे इन्फिनिटी भी ले लेते हैं आखिर में जाके ना। तो इसमें जो भी हमारे पास वो आएगा ना, इसका रेजिडुअल किसी को भी इग्नोर नहीं कर। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने अपना रेजिडुअल इग्नोर करते थे, क्योंकि उसमें एक यूनिट सर्कल होता ना, जिसका जो हमारे पास जो पोल होते थे वो इसके अंदर आते, उसका उसका रेजिडुअल निकालते थे, और जिसके पोल इसके बाहर आते थे उसका रेजिडुअल नहीं निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सारे पोल इसके अंदर ही लाइक कर रहे होंगे। तो थोड़ा ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल में क्या आपको देखो, ऊपर ही पॉलीनोमियल गिवन होगा, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीनोमियल गिवन होगा। उसकी पहचान क्या है कि इसकी जो वो होगी ना लिमिट्स, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसकी लिमिट आपको गिवन होगी। सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमने करना क्या है कि आपने बोला इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले ना हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली ये सी ना आपका ये सर्कल है, जिसके अराउंड आप इसको ये पूरा सी है ना, ये पूरा आपका सी है, ये पूरा रीजन। अब इस बोल रहे कि मैं इसी इंटीग्रल को ना, जो मेरा इंटीग्रल ये वाला, इसी इंटीग्रल को पहले सॉल्व नहीं कर रहा मैं, लेकिन जिसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बहुत बड़ी रेंज है। हम बोल रहे हैं कि पहले हम ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रल सेम है लेकिन उसकी जो रेंज है ना, जिसकी जो लिमिट्स हैं, वो सिर्फ इस सर्कल के या सेमी सर्कल के अंदर लाइक कर रही है। इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, फिर करना क्या है हमें, इसके जैसे इसका पार्ट नंबर ए में करते रहे, इसके पहले हम पोल्स निकालते रहे। पोल्स कैसे निकालते रहे? हम डिनोमिनेटर को जीरो करके सॉल्व करते रहे। फिर वहाँ से जेड की जेड की दो वैल्यू आ गई, एक ए आयोटा आ गई प्लस माइनस ए आयोटा, दूसरी प्लस माइनस बी आयोटा आ गई। फिर हम इसका निकाला करते थे फार्मूला, जिसका फार्मूला होता रहा, इसका इंटीग्रल निकालने का फार्मूला क्या होता रहा, जो इंटीग्रल बराबर है आपके पास 2 पाई आयोटा की इंटू सम ऑफ रेजिडुअल, जो कि सी के अंदर लाई कर रहा हूँ, वो रेजिडुअल जो कि इस रेंज के अंदर लाई कर रहा हूँ। फिर रेजिडुअल यहाँ पर जो दोनों है ना, ये जो ए भी है और ये जो बी भी है, ये बेसिकली दोनों इस रेंज के अंदर लाई कर रहा हूँ। फिर उनके रेजिडुअल निकाले, रेजिडुअल कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है ये। यहाँ पे सिंगल रेजिडुअल था तो लिमिट जेड माइनस ए आपका फंक्शन आ गया। अगर डबल रेजिडुअल है, यहाँ पे डेरिवेटिव भी आया तो जेड माइनस ए का स्क्वायर भी होता है। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव हो तो डबल डेरिवेटिव आया था, यहाँ पे पावर 3 आती है। तो आपने यहाँ पे जेड माइनस ए की जगह आपने अपनी ए की वैल्यू पुट की, जो कि ये वैल्यू थी, और नीचे आपकी वही वैल्यू आ गई, तो जो कटा था आपने उसको काट दिया, और सिंप्लीफाई आपके पहले रेजिडुअल आ गया। इसी तरह आपके पास दूसरा पोल जो बी आयोटा था, उसका अपने रेजिडुअल निकालना था, वो भी सिंगल था, सिंगल पोल ही था, तो आपने रखा यहाँ पे एक ही, यहाँ पे बी कहाँ गया, ये बी होगा, ओके बी है, सही है, बी रख दिया। फिर आपने बी से बी काट दिया, सिंपलीफाई कर लिया, आपके पास ये दूसरा रेजिडुअल आ गया। आपके आपका जो आंसर कैसे बनता है, आपका जो इक्वेशन है वो ये है कि आपके पास जो ये इसका जो इंटीग्रल बराबर होता है 2 पाई आयोटा के, और सम ऑफ इंटीग्रल जो कि सी के अंदर लाई कर रहे हैं, उनके रेजिडुअल का सम, जो कि दोनों ही रेजिडुअल उसके अंदर लाई कर रहे थे, अब दोनों का सम करके सिंपलीफाई कर दिया, आपका आंसर ये आ गया। अब इस बार आधा हुआ है, हमें बेसिकली सॉल्व करना था इन्फिनिटी तक, हाँ इन्फिनिटी तक। अभी हमने सिर्फ इस रीजन के तक अंदर सॉल्व किया, अभी जो कि पुराने स्टेप्स के द्वारा रिपीट हो रहे थे। तो हमने बोला कि जो सपोज कर लो जो रीजन है ना हमारे पास, ये जो सी का रीजन था, वो दो रीजन का सम है। एक रीजन जो है वो माइनस आर से प्लस आर है, ये रीजन एक, और प्लस एक रीजन ये सी आर, ये पता नहीं क्यों स्टेप का हिस्सा है बस, इसका मुझे नहीं पता है क्यों कैसे आया ये। अच्छा अब हम ये चीज़ निकाल चुके थे, इसकी वैल्यू हमने ये रख दी यहाँ पे, तो फिर हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो ये बेसिकली स्टेप का हिस्सा है, इसके पीछे लॉजिक मुझे ऐसे पता नहीं है। और दूसरी जो लाइटिंग, फिर बोलते हैं कि जो आर है इसको हम इन्फिनिटी तस्वर करते हैं, जैसे इसको इन्फिनिटी लेते हैं ना, तो ये वाला पैरामीटर इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। ये भी क्यों होता है इसका मुझे आइडिया नहीं है, ये ज़ीरो हो जाता है, फिर ये चीज़ बचती है वो इसके बराबर रहती है। और हमें बेसिकली यही चीज़ निकालनी थी, जो कि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी होता है, और ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। एक्चुअली आंसर हमारा यही था, बस ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम लोग इस सी वाले को हम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाले में कन्वर्ट कर देते हैं, और आंसर हमारा एज इट इज़ वही रहता है। ताकि बस ये फर्स्ट था इसमें से हमारे पास एक वो रूल बन जाता है। रूल क्या होता है कि जो भी यहाँ लिखा होता है ना, जैसे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके रूट यहाँ पर आएंगे। अगर जब हमें क्वेश्चन ये आता है तो आपको पता होना चाहिए ये इसका रूट और इसका रूट यहाँ पे सम हो रहेंगे। इस तरह अगर ये है तो इसका रूट और इसका रूट यहाँ पे सम हो रहेंगे। तो इससे एक मेथड बन गया पूरा प्रॉपर। तो ये पिछले वाले की तरह इतना खासा मुश्किल नहीं, बस इसमें बस एक तो ये गिने चुने स्टेप्स हैं ये पता होना चाहिए, ये फिक्स स्टेप्स हैं, ये हर सवाल में ऐसे रिपीट होंगे। और दूसरा यहाँ पे लेट करना होता है आपको, जो भी सवाल है ना उसको लेट कर लो कि मैं इन्फिनिटी हटा रहा हूँ और मैं उसको एक क्लोज रीजन, जो कि रीजन ये वाला है, इसके क्रॉस सॉल्व कर रहा हूँ। बस बाकी सारा पिछले वाले की तरह ही है। इस तरह अगली एग्जांपल है, अगली एग्जांपल है वही आपके पास ये चीज़ है, आपने इसको देखो इसकी पावर 3 है। तो आपने बोला कि इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने सिंपल सी वाले रीजन में, और इसके फिर मैं डिनोमिनेटर को 0 ले लूँगा और उससे मैं पोल्स निकाल लूँगा। डिनोमिनेटर 0 ले, इससे जो पोल्स हैं मेरे पास वो एक तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे जो मेरे पास आंसर आया है वो प्लस ए और माइनस ए आ रहा है। अब फिर जो इसका जो इंटीग्रल निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, 2π iota इनटू सम ऑफ रेजिडुअल जो कि सी के अंदर लाई कर रहा हूँ। अब हमें रेजिडुअल निकालना है, यहाँ पर रेजिडुअल सिर्फ एक ही है जो कि ए आई है, सही है। और वो जो ए आई है ना, यहाँ पे एक सवाल पता था उसका पावर 3 क्यों लिया गया, हालांकि यहाँ पे जो ए है वो तो एक ही पोल आ रहा है ना। उसको पावर 3 इसलिए लिया गया क्योंकि अगर हम इसको खोले ना, ये जो खोला हुआ ये चीज़ अंदर लिखा हुआ है जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर होल क्यूब, अंदर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और पावर क्यूब वैसे भी दोनों में। अब जो हम इसका जो निकाल रहे हैं रेजिडुअल जो निकाल रहे हैं ए आयोटा का, हमें चेक करना पड़ता है जो नीचे डिनोमिनेटर है ना उसमें जो ए आयोटा जहाँ पे लाया कर रहा है उसकी खुद की पावर भी क्या है। ये भी एक क्राइटेरिया होता है, जैसे लास्ट टाइम पिछले क्लास में मैंने क्राइटेरिया बताया था कि हम देखते हैं कि इसमें नंबर आंसर कितने आ रहे हैं। अगर एक आंसर आया तो फिर सिंगल पोल हम सिंगल रेजिडुअल कैलकुलेट करते हैं। अगर इसके आंसर फॉर एग्जाम्पल 1, 1, 2, 2, 1 आ रहे हैं तो फिर इसमें डबल रेजिडुअल कैलकुलेट करते हैं। एक क्राइटेरिया तो एक क्राइटेरिया दूसरा भी होता है, अपने अपने ना हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, डिनोमिनेटर में चेक करते हैं कि जो चीज़ हम इसके अंदर जेड प्लस आयोटा जेड मसाइल जो चीज़ ऐड कर रहे हैं उसमें जो नीचे डिनोमिनेटर में उसकी खुद की पावर क्या है। बस खुद की पावर 3 है, तभी हमने यहाँ पे 3 वाला फार्मूला लगाया हुआ है थर्ड वाला, क्योंकि नीचे जो है वो जेड माइनस ए की पावर 3 आ रही है। तो ये लगा इसमें, इसको कैंसिल कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, डबल डेरिवेटिव लेना, डबल डेरिवेटिव ले लिया इसका जो कि ये आ गया। ये बेसिकली ऊपर जाएगा और ऊपर जाके दोनों का डेरिवेटिव होगा, तभी इसकी पावर 5 हो गई है। और फिर इसके अंदर मैंने अपनी लिमिट फिट कर देनी है, आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आ गया। फिर इसको हमने वही गिने चुने स्टेप्स हैं, ये स्टेप हमने परफॉर्म करने के, जो हमारे पास जो क्लोज रीजन आया सपोज कर लो माइनस आर से प्लस आर के बराबर है और एक और रीजन उसके बराबर है। अस्सलाम वालेकुम, क्लास नहीं चल रही है, चल रही है।